Hey guys, Daily Buzz brings to you some latest updates on the beloved show of ZTV Ek Mutti Aasman. Today we have an exclusive interview of Paakhi who will throw some light on the upcoming marriage drama. Check it out. खैर गुस्से में नहीं है लेकिन वो काफ़ी परेशान है क्योंकि आखिरकार उन्होंने जिनको वो बेटी कहती थी और उन्होंने उसका साथ ना देते हुए अपनी बेटी का साथ दिया है, ये जानते हुए भी कि मैं राघव से कितना प्यार करती हूँ और उनको जाके मैंने बोला और अपनी दिल की बात बताई कि मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ और उन्होंने बोला था कि मैं जाके राघव से तुम्हारी बात करूँगी शादी की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज मेरा साथ ना दिया और अपनी बेटी का साथ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्होंने बता ही दिया कि अपना खून होता है और जो पराया होता है वो पराया ही होता है। तो आज हमने ये शूट किया है। यानी कि आज काफ़ी धक्का लगा होगा, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ही कमला माँ थी और उन्हीं से मैं सब कुछ जाके बोलती थी और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि कोई भी चीज़ मैं मांगूँगी उनसे हमेशा मेरे को आके मिलेगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि आज मतलब जो मेरी ज़िंदगी मतलब राघव जो एक्चुअली में मेरी ज़िंदगी मेरा प्यार है वो मुझे नहीं मिला क्योंकि कमला माँ ने मेरा साथ नहीं दिया इस बारी। तो यानी कि अब कल्पी की शादी हो जाएगी राघव से? जी जी। क्या करने वाली है ये तो आपको देखना पड़ेगा, बेचारी पुकी क्या करेगी, आगे कैसे जिंदगी काटेगी ये आपको सब देखना पड़ेगा। हाँ यही आई थिंक पाकी का कैरेक्टर ही ऐसा इतना है कि मतलब वो एक साइड पे वो बहुत स्वीट है क्योंकि वो कमला माँ के कमला माँ ने उसे पाला है, उसको देखा है एंड आई थिंक तो वहाँ से उसके स्वीटनेस और वो सब आता है। बाकी जो गुस्सा है वो उस नीतू के लिए है, मोस्टली नीतू के लिए, क्योंकि वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती, कुछ ना कुछ करती रहती है कि मैं इरिटेट होती रहती हूँ। हाँ थोड़ा सा लग रहा है ऐसे, लेकिन तब भी पाकी कमला माँ से बहुत प्यार करती है और वो प्यार शायद वो कभी कम हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ अभी जो हुआ है पाकी के लिए मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। तो जी कैसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं मयंक से जो सपने सुहाने के उनके साथ मैं एक होली इवेंट कर चुकी हूँ तो उनको मैं वहाँ से जानती हूँ, तो वो भी अच्छे हैं, दिल्ली के हैं, हम दोनों दिल्ली के हैं। तो बाकी गुंजन से मैं आई थिंक प्रोमो शूट के टाइम मिली थी तो वो भी अच्छी हैं, सब अच्छे हैं और अच्छा लगता है दूसरे सीरियल के लोग जब यहाँ आते हैं और काम करते हैं एंड यू नो यू गेट टू मीट देम, तो बहुत अच्छा लगता है। माहौल चेंज हो जाता है, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं क्योंकि रोज़ आप सेट पे आते हैं, आप सेम फेसेस देखते हैं, एक फैमिली सा बन जाता है, लेकिन जब कोई नया आता है आपके सेट पे तो अच्छा लगता है। देखिए पुकी नेगेटिव कभी नहीं थी और कभी होगी नहीं, मुझे जितना लगता है वो कभी होनी नहीं, उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी वो क्या करेगी, शादी रोकेगी, आई विल हैव टू सी। ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक मुट्ठी आसमान रोज़ देखते रहिए और बहुत प्यार मिल रहा है हमें सबसे एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग आकर हमें कहते हैं कि यू नो वी लव योर सीरियल एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ आप रोज़ देखते रहिए एंड आई होप कि हम आगे आगे अच्छा और काम करते रहे और आपका इंटरेस्ट होल्ड करते रहे। थैंक यू। So what do you think? Whom will Raghav get married to? Kalpi or Paakhi? Leave your comments below and hit the like button. Also don't forget to subscribe to Telebuzz for more daily television updates.